वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमें कुछ बात करेंगे सिख धर्म अपनाने के बारे में। कुछ भाइयों को बड़ी शंका है, तो उस शंका के बारे में, जो शंकाएं हैं, लोगों के डाउट्स हैं, वो दूर करेंगे हम। कुछ भाई बोलते हैं कि जाट धर्म का क्या होगा भाई, जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसी प्रकार से जाट भी कोई धर्म नहीं है। जाटों की अपनी परंपराएं हैं, संस्कृति है, वो सब चीज है, लेकिन ये धर्म नहीं है। पिछली जो जनगणना हुई, उसमें मेरे को कई लोगों ने पूछा कि भाई क्या धर्म लिखवाएं, जब हिंदू कोई धर्म नहीं है। तो जब मैं बोला भाई चलो और कुछ नहीं है, जब हिंदू कोई धर्म नहीं है वो भी लिखवाओते हो आप, तो लिखवा दो कि हमारा जाट धर्म है, तो इसीलिए हमने जाट धर्म लिखवाया था, बाकी ये धर्म नहीं है। जाट धर्म, जाट तो एक जाति है, एक नस्ल है, और उनकी अपनी संस्कृति है, ये बात है। जैसे और लोगों की है, पहली बात तो ये आदमी को समझ में आ जाना चाहिए कि जाट कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। उसके बाद हम अपने गांव में भैया, कुछ हमारे लोकल देवता होते हैं, जैसे हमारे गांव में है दादा गुसाई है, इसी प्रकार से हर गांव में हम मानते हैं। उन चीजों को आप मानते रहना, मैंने पंजाब में भी देखा है, जठेरा वगैरह बोलते हैं वहां, वो मानते हैं। हमारे सांगवानों का एक गांव है दिखताना, वहां पर मैंने देखा है, वहां भी वो मानते हैं। वो टेकराम जो थे, टेक सिंह सांगवान, जो उनका संस्थापक उस गांव के, उनके बुजुर्ग वही थे 150 साल पहले, उसी को मानते हैं वो भी। उनकी वो बना रखी है उन्होंने यादगार छोटी सी, मंडी बना रखी है, और सब वहां माथा टेक के कार्रवाई करते हैं। तो कोई आप लोग इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है, और न ज्यादा खाम खा अपने कंफ्यूज नहीं होना है कहीं भी। तो वही बात है, जो अभी मानते हैं वो बाद मानते रहेंगे। हाँ, अभी ये मंदिर जो बन गए हैं उनमें हम नहीं जाएंगे। मूर्ति पूजा पहले भी हमारे पूर्वज नहीं करते थे, हम भी नहीं करेंगे, और बीच में जो कुछ गए वो छोड़ देंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि ये हमारे खून में नहीं है मूर्ति पूजा। उसके बाद कुछ लोगों को शक है कि भाई हम सिख बन गए तो शादी ब्याह कैसे होंगे। शादी ब्याह ऐसे होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। हमारे कितने हैं मैं जानता हूं, हमारे जितने भी जो है राजा महाराजा जो हैं, वो सब आपस में रिश्ता करते थे। सिखों में करते थे सिख राजा, वहां हिंदुओं में करते थे, जो हिंदू बोलते हैं जिसको। और उसके बाद जो हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है, उस क्षेत्र में देखा खुद, मालवा तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई हरियाणा से अलग है, वहां आपस में पूरी सब ब्याह शादियां हैं। तो ये कोई बात नहीं, ये कंफ्यूज मत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और रही बात भाषा की, ये बात कई लोगों के दिमाग में है, पहले पहले हमारे दिमाग में आई ये बातें, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि सिख धर्म है वो खाली पंजाबी भाषा का है। अब ठीक है, सिख धर्म की जो उत्पत्ति है वो पंजाब में हुई है, इसलिए हमको लगता है कि ये जो है इसकी भाषा पंजाबी है। नहीं, किसी धर्म देखो, अभी जैसे आपका अपना हमारा पहले पुराना धर्म था बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति तो भारत में हुई, ये भारत में खत्म हो गया, लेकिन 27 देशों में अभी है ये। तो ये नहीं कह सकते कि ये जो हिंदी जानने वालों का, या ये जहां पर बिहार का है वहां का कोई धर्म था। नहीं नहीं, धर्म धर्म जो है सब भाषाओं के हो जाते हैं। अभी जो मुसलमान धर्म है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैला है, सभी भाषाओं के उसके जो है धर्म के मानने वाले हैं। तो अब पंजाब में खाली सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं ज्यादा, लेकिन बाहर भी हैं। आप ये मत सोचना, मैंने देखा है, खुद देखा है, मध्य प्रदेश में है कुछ जो है, मेरे को वहां भी देखे, छत्तीसगढ़ एरिया भी है। कहने का मतलब ये है कि हम इसको बढ़ाना है, सिख धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो सब जगह मानने वाले हो जाएंगे। अब मैं हूं हरियाणी बोलता हूं, तो मैं हरियाणी रहूंगा सिख बनने के बाद में भी, कोई मेरी भाषा बदली थोड़ी हो जाएगी। और जो है हिंदी हमारी वैसे लिपि है, तो हम उसको लिखते रहेंगे हिंदी में, और बल्कि हमको प्रचार करेंगे हिंदी में, इसको फैलाव करेंगे धर्म का। धर्म को जितना हम अच्छा ज्यादा फैलाएंगे उतना है हम सबके लिए अच्छा है, और ये प्रयास करना चाहिए। इसके बाद मैं और ही बताऊंगा एक बात कि 1945 में जब भी हम जैसे अपना रहे हम सिख धर्म को, पहले भी हुआ था ऐसा, कुछ लोगों ने अपनाया था,
लेकिन उन लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। वो जितने ही परिवार थे उसमें सहजदारी थे, कुछ मेरी तरह जो है ना केसदारी भी बने थे सिख, लेकिन उन लोगों ने आगे नहीं बढ़ाया। वो जब तक जिंदा रहे वो धर्म जिंदा रहे उनका, और उसके बाद उस परिवार में मौत, धर्म खत्म हो गया। तो ऐसा हमने नहीं करना है, हमने प्रयास करने की ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाना है, बढ़ाना है इसको, सिख धर्म को, जब हमारी जो है ना सफलता है, नहीं तो कोई हम बड़ा कुछ अचीवमेंट नहीं होगा। और इस बारे में कई जो जो तीन चार बात मैंने बताई है, इनके बारे में किसी प्रकार की शंका रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये जितनी शंकाएं दूर कर लो दिमाग में, उसके बाद अपना इरादा पक्का करो, इरादा पक्का करेंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और एक बात और, मेरे पास कुछ फोन आए हैं, वो कहते हैं, लोग कहते हैं भी हम आपके साथ चलेंगे दरबार साहब अमृतसर। देखो वहां तो जाना चाहिए, जिसने सिख नहीं बनना है उसको जाना चाहिए, देखना चाहिए, देखने से मालूम पड़ता है। मैं वहां कई बार गया हूं, आप लोगों को जाना चाहिए। लेकिन अभी हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, जिस शुभ काम के लिए जा रहे हैं हम, सिख धर्म अपनाने के लिए, उसमें वो लोग हमारे साथ नहीं जाए जिसको सिख धर्म नहीं अपनाना है। यहां जा रहे हैं वो अपना सहजदारी बनो, सहजदारी वो है जैसे अभी आप अपने घर में अभी हो वैसे ही रहना है, सहजदारी सिखो कहलाओगे। उसके बाद केस रख लिया ऐसे मेरी तरह तो केसधारी हो गए, और अमृत रख लिया तो अमृतधारी हो गए। आपका जैसा रहना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सब धर्मों का देखा है, हमारे सीआरपी सब धर्मों का वो चलता रहता है। सबसे आसान धर्म है सिख धर्म, इसीलिए हमारे हमारी कौम ने नहीं इस धर्म को अपनाया, क्योंकि हम लोग सीधे आदमी हैं, हम जटिल परंपराएं जो कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स जो होते हैं परंपरा उसमें विश्वास नहीं करते हम लोग, इसीलिए हम ब्राह्मणवाद से दूर गए हमेशा, क्योंकि इनकी परंपराएं बड़ी जटिल होती हैं। मैं खुद देखा, होम बुला लो, एक पंडित को बुलाओ होम करना हो रहा, होम कराने के लिए वो करेगा, दूसरा वैसे भी नहीं करेगा, उसमें बदलाव करेगा थोड़ा बहुत। कहने का मतलब ये है कि वो जटिल परंपराएं, परंपराएं ऐसी होती है जो कोई भी आदमी सीख ले, तो सिख परंपराएं बड़ी आसान है, बड़ी सरल है। और देखिए हमने, क्योंकि जो अपने सिख धर्म के जन त्योहार है वो सीआरपी में मनाते हैं, और हमको कोई दिक्कत नहीं होती, दिन में कोई भी वो सीख सकता है। तो इसलिए ये हमारा जाति जो है बड़ी सरल है, जाट जाति बहुत सिंपल है, और सिंपल लोगों के लिए ये सिंपल धर्म है, और हमारी जाति के लोग बहुत ही 70% सिख धर्म है। तो भैया किसी प्रकार का आप लोग कोई शक सवाल मत रखो, आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, और जिसको ये धर्म नहीं अपनाना है उसको हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। वो क्या करेंगे, वहां जाएंगे उसको पूछेंगे कोई आदमी भी क्या करने, अब ऐसे देखने आए हम तो वहां क्या प्रोपेगंडा होगा कि ये लोग आए हैं, ये तो केवल दरबार साहब को देखने आए हैं, वो उसको तमाशा समझ के नहीं बनाना है। तो इसलिए भाई जाना है पहले जाओ, बाद में जाओ, रोज जाओ, देखने की जगह है वो, लेकिन हमारे साथ नहीं जाना। हमारे साथ वही आदमी जाएंगे जिन्होंने ये धर्म को अपनाना है, जिन्होंने सिख धर्म को अपनाना है। इसलिए आप खुले दिल से, खुले दिमाग से देखो, सिख धर्म के तो मानने वाले लोग, हमने नौकरी की उनके साथ, मैं तो पंजाब में भी नौकरी 6 साल, ये खुले दिल के आदमी हम लोग, और ये खुला दिल का धर्म है। इसीलिए खुले दिल से आओ और अपनाओ और इसको आगे बढ़ाओ, ये हमारा धर्म होना चाहिए, इसको आगे बढ़ाने का हमारा एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो मैं आपसे ये बात करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल।